एनवीएम लिस्ट से आपके सारे जितने भी नोट के वर्जन से वो सारे शो होंगे। अभी मेरे पास 16 है, ठीक है। अगर मुझे इंस्टॉल करना है कोई सा तो मैं लिखूंगा एनवीएम इंस्टॉल 18। अब एनवीएम लिस्ट करूंगा। तो ये मेरा 16 आ गया है। अब नोट का वर्जन चेक करना है, नोट का वर्जन क्या है तो 18 हो गया, ठीक है। देन अगर मुझे नोट का वर्जन चेंज करना है तो मैं लिखूंगा एनवीएम यूज 16.20.0, नोट का वर्जन देन हो जाएगा 16.20.0। सर नोट का ये वर्जन तो सारी 16 हो कमांड्स गया है, हैं। बट एनपीएम कैसे, एनवीएम लिस्ट सॉरी किया, एनवीएम कैसे इंस्टॉल करें सर? एनवीएम एनवीएम की मैंने ग्रुप पे लिंक शेयर की है, जाके चेक करो सर, उसमें नोट का आया उबंटू हुआ है। प्रोजेक्ट में। हाँ नोट का आया है, एनवीएम के थ्रू भी है, जाके चेक करो। ओके देखता हूँ। मिल गया सर, थर्ड स्टेप। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं। ओके रीशेयर कर रहा हूँ, देखो विजिबल है। सो जो मैंने लिंक दिया आपको वो ये इस साइट की लिंक है, हाउ टू इंस्टॉल नोड जेएस ऑन उबंटू। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या कमांड्स है, ठीक है। डायरेक्ट इंस्टॉल मत करना, npm इस तरीके से इंस्टॉल होगा, sudo apt install npm। nvm के लिए ये सारी प्रोसेस है सर, ऑनली 16 मेंशन कर दूंगा चलेगा? हाँ चलेगा। ऑप्शन 3 से स्टार्ट है nvm का इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल नोड यूजिंग द नोड वर्जन मैनेजर, कर्ल की कमांड है, ये चलाओ देन ये चलाओ देन बैक स्क्रिप्ट चलाओ सोर्स की। nvm लिस्ट करोगे तो सारी लिस्ट दिख जाएगी। NVM इंस्टॉल करोगे तो जो भी वर्जन लिखोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। NVM यूज लिखोगे तो यूज से वो वर्जन वर्क करने लगेगा, जैसे यहाँ पे हुआ, ये रहा NVM वर्जन से वर्जन चेक हो जाएगा NVM का। NVM लिस्ट से जो जो आपकी NVM के अंदर नोट के वर्जन इंस्टॉल है वो सारी वर्जन शो होंगे, ठीक है। अगर आपको वर्जन चेंज करना है तो अभी नोट का वर्जन क्या है मेरे, हाइड्रोजन भी करना सर इसको 16.20.0। अगर मुझे चेंज करना है नोट का वर्जन तो मैं लिखूंगा एनवीएम यूज, जो भी वर्जन यूज करना है उसका वर्जन नहीं लिखता। अब 18 यूज होने लगा। सिक्सटीन पॉइंट ट्वेंटी पे स्विच किया मैंने। यहां तक क्लियर है? ये सर हाइड्रोजन इंस्टॉल कर लिया है सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ओके तो अब रिएक्ट का सेटअप कैसे करोगे? रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, reactjs.org। ये रही, इसके अंदर ट्यूटोरियल्स के अंदर जाना है।
यहाँ पे सेटअप मिल जाएगा आपको सारा, इंस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके देन एंड जिस तरीके से आप रील्स का ऐप क्रिएट करते थे क्या कमांड होती थी? रील्स न्यू ऐप का रील्स न्यू एप्लीकेशन। उसी तरीके से अगर आपको रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना है उसकी क्या कमांड है? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नेम। ये कमांड होती है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नेम। ये लेगेसी वाले गाइडलाइन पे जाना सर। हाँ, लेगेसी वाली गाइडलाइन मींस लेगेसी लिख के आ रहा था सर ऊपर। नो कहाँ लिख के आ रहा है। सो रील्स जिस तरीके से पैकेजेस मॉड्यूल्स इंस्टॉल करता है, React भी अपने packages, node modules को install करता है जब आप npx create react app करोगे तब। ठीक है, ये आपको एक structure बना के दे देगा react application का, हमें उसी structure पे work करना है। Rails क्या करता था? Rails भी आपको एक structure provide holders का, अलग अलग components थे उसके अंदर, controllers थे। उसी तरीके से react भी अपना एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं मेरे रिएक्ट के, ये लाइन में दिख रहा है आपको, एडिट 1424 पैकेजेस। सर ये रियल से ज्यादा टाइम लेता है क्या इंस्टॉलेशन पे, मतलब ऐप क्रिएट करने पे? हाँ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। पीडी जो भी आपने ऐप बनाया था उसका नाम, सर्वर रन करना है, रील्स क्लिक क्या करते हो, रील्स एच करते हो। ठीक है, यहाँ पे दो कमांड चलती है, npm स्टार्ट या yarn स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप npm का यूज कर रहे हो तो npm स्टार्ट, yarn का यूज कर रहे हो तो yarn स्टार्ट। ये मेरा रिएक्ट का ऐप स्टार्ट हो गया। क्लियर है कैसे कर सकते हो स्टार्ट? यस सर। अब इसकी डायरेक्टरीज देखो, ये खुल गया। तो ये मेरे नोड मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर सारे नोड में जितने भी मेरे मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं रिएक्ट ने, वो सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे हैं। ठीक है सर, मैं अभी एक ऐप क्रिएट कर रहा था तो यस करने के लिए यस करना पड़ेगा। पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन किस तरीके से वर्क कर रही थी? रेल्स पे, रेल्स में आपने जेम किया, जेम फाइल पढ़ी है, उसी तरीके से रिएक्ट में होता है पैकेजेस। ठीक है, जिस तरीके से रूबी ऑन रेल्स में जेम्स होते हैं, उसी वे में हमारे पास रिएक्ट में होते हैं पैकेजेस जो कि हम इंस्टॉल करते हैं अलग अलग फंक्शनैलिटी के रिगार्डिंग। सो हमने रेल्स में कौन सा जेम यूज किया था? डिवाइस जेम यूज किया था जो कि हम ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा रहा था। उसी तरीके से अगर हमें रिक्वायरमेंट रहेगी रिएक्ट के अंदर
अलग अलग लाइब्रेरीज की या पैकेजेस की, तो हम रिएक्ट में यहाँ जाके पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या है, क्या है सर, जेम वर्जन फाइल जो लॉकिंग, जेम लॉक है सर, हाँ इसमें वर्जन अपने वर्जन लॉकिंग को की हम लॉक फाइल करते है, हैं। यस सर, हाँ उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से रेल्स में वर्क होता है। गिट इग्नोर में हम क्या लिख सकते हैं, वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो हमें गिट पे पुश नहीं करना। पब्लिक के अंदर ये हमारे कुछ आइकॉन्स है, इंडेक्स है, ये हमारी मेन इंडेक्स फाइल है जिससे कि हमारा रिएक्ट ऐप चलता है, ठीक है, जिसकी आईडी रूट है। अब इस डिफ के अंदर ही सारा कंटेंट हमारा लोड होगा रिएक्ट का। ये सारे आइकॉन से लोगो है, यही लोगो अभी आपको मूव होता दिख रहा है पेज पे। ये लोगो है। अब SRC के अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। app.css रहेगी जिसमें आप CSS लिख सकते हो, app.js रहेगी, JS लिख सकते हो, टेस्ट केसेस लिख सकते हो, इंडेक्स रहेगी, और यहाँ पे आप कंट्रोलर्स बना सकते हो अलग अलग। अब app.js क्या है, जब भी हम रिएक्ट में वर्क करेंगे तो इंडेक्स के बाद हमारा क्या लोड होगा, app.js लोड होगा। ये रहा हमारा index.js। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय रूट आईडी से रूट को लिया हमने। यस सर, अब ये रूट कहाँ से आ रहा है, जो हमारा मेन पेज है इंडेक्स पेज। ये हमारी एचटीएमएल का आईडी हो मेन गई पेज कौन इंडेक्स सा की। रहता है, इंडेक्स पेज होता है, ठीक है। इसमें हमारा सारा हुआ जिस तरीके से एप्लीकेशन फाइल थी आपकी रेल्स के अंदर, जहां से आपका सारा कंटेंट रोल लोड होता था डिफ के थ्रू। एप्लीकेशन कंट्रोलर देखा था आपने, जहां पे जाके नेवबार अटैच किया था हमने ताकि वो हर एक पेज पे शो हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्ट की एक इंडेक्स फाइल है जो कि कंटेंट लोड कर रही है। ये हमारा बॉडी टैग है, ये हमारा डिफ टैग है, ठीक है। डिफ की आईडी क्या है, रूट। अब इसी डिफ के अंदर हम सारा कंटेंट हमारा लोड करेंगे रिएक्ट का। अब इसको किसने गेट किया है, जब आप SRC के अंदर जाओगे तो index.js मिलेगी आपको। ये index.html है जो कि हमारी मेन फाइल है। इसके बाद SRC के अंदर आपको index.js मिलेगी। index.js से हमने किसको गेट किया है, रिएक्ट डोम क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। आईडी से हमने इसको फैच किया डिव को इंडेक्स के, जो कि रूट है, और रूट डॉट रेंडर कर दिया रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड ऐप। ऐप के अंदर अब आप जो भी लिखोगे वो हमारे पेज पे शो होगा। सो हम ये सारी चीजें हटा देते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा लिखते हैं डिव। H1 हेलो रिएक्ट रिफ्लेक्ट हो गया। यस सर, सो इसके पहले क्या लिखा था, इसके पहले हमारा ये सारा कोड लिखा हुआ था जिससे हमें रिएक्ट का लोगो शो हो रहा था। जैसे ही सेव करोगे ऑटो लोड हो जाएगा, ये हो गया। सो फास्ट है रिएक्ट शो हो रहा है। अगर मैं कुछ चेंजेस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे, हेलो सेव सर ये वर्चुअल डॉम सेव इस्तेमाल किया, करता है ना। ये सेव हो गया। ऐसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ऑटो रिफ्रेश हो जाता है वर्चुअल डॉम जैसे है। ही आप, हाँ वर्चुअल, जैसे ही आप अपनी फाइल को सेव करोगे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन के पोर्ट पे रिजल्ट। अगर आप यहाँ पे
एडिट भी करते हो कुछ तो ये भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंटिल आप सेव करो। ये हो गया रिफ्लेक्ट। सर सर्वर कैसे बंद करते हैं? कंट्रोल सी कंट्रोल सी से काम करेगा। स्टार्ट करते हैं एनपीएम स्टार्ट से बंद करते हैं कंट्रोल सी। यस सर वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट यूज कर लेगा, मैंने भी किया, चालू हो गया था। हो गया सर आपका स्क्रीन ओके। ये ट्यूटोरियल है आपका, ट्यूटोरियल इनटू रिएक्ट पे जाओगे सो यहाँ पे कमांड मिल जाएगी आपको एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप की। नोड जेएस इंस्टॉल होना था ठीक है। सीडी जो भी ऐप का नाम दोगे उसमें जाओगे, आरएम माइनस एफ करके डिलीट भी कर सकते हो आपके रिएक्ट ऐप को। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम, क्लाइंट इम्पोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस, व्हाट इज रिएक्ट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे ठीक है। सो आज का टास्क क्या है आपको, आपको फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट कर, दैट्स इट, हो जाएगा ये ओके। इजी है यस सर ओके। ठीक है तो इतना करके रखना, नेक्स्ट सेशन में रिएक्ट क्या होती है कैसे वर्क करती है वो सीखेंगे ठीक है सर ओके 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 सर। सर एक चीज और पूछती थी। हाँ हेलो सर, वो जो ऐप बनवाया था आपने ई कॉमर्स वाला, उस पर सर आप 5 मिनट सर बुकिंग के लिए बता देते हैं या फिर क्वांटिटी वाला कुछ भी बता देते हैं तो उसको भी हम कर लेते हैं। बुकिंग के लिए क्या ऑर्डर के लिए? यस सर, पहले उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं बढ़ी सर, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ सर कुछ चीज तो डबल ऐड हो रही है बट उसकी क्वांटिटी अभी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ सर, तो या तो क्वांटिटी डबल ऐड इसलिए हो रहा है कि स्क्रीन शेयर करो अपनी।
सर एक्चुअली मोबाइल में मुझे लगता है टाइम लग जाएगा सर आपको उस पर बुक करने। सो आपको क्या करना है मैं वे बता देता हूँ, आपको करना आपसे खुद से ही है, ठीक है? अगर आप खुद से नहीं करोगे तो फिर आप सीख ही नहीं पाओगे। सो आपको क्या करना है, क्या है आपका कार्ट का मॉड्यूल है, कार्ट के अंदर क्या है, कार्ट आइटम्स है, प्रोडक्ट्स है सर, कार्ट आइटम्स है या प्रोडक्ट्स रख रखे हैं? सर कार्ट के अंदर टॉप प्रोडक्ट्स है सर, कार्ट के अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट्स डाल दिया है? नो सर, पहले कार्ट आइटम्स के अंदर प्रोडक्ट है, पहले कार्ट आइटम्स होगा ना, तो कार्ट आइटम्स का एसोसिएशन प्रोडक्ट के साथ क्या है? सर सर मैं चेक ही कर लेता हूँ सर, पूरा वे वही है जो आपने बताया सर उसी से बनाया है। ओके, तो कार्ट आइटम से प्रोडक्ट आईडी मिलेगी आपको, ठीक है? अब उस कार्ट के बिहाफ पे अगर किसी कार्ट आइटम में सेम प्रोडक्ट आईडी है तो क्या करना है आपको, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना है, अदरवाइज बंद रहने देना है। कैसे फाइंड करोगे, कार्ट आइटम्स डॉट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, जो भी आप वहां से प्रोडक्ट आईडी सेंड करोगे अगर वो मैच होती है, ठीक है, तो आपको क्वांटिटी इंक्रीज करना है। अगर वो मैच नहीं होती, नल रिटर्न करती है, तो आपको उसकी क्वांटिटी में वन डाल देना है। ओके सर, और सर स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। सर आपकी What is this Vivek's controller? No sir, उसकी फाइल में एडिट कर रहा था मैं, उसकी फाइल। अब यूआई अपना चेंज कर लो, ये तो आपने बूटस्ट्रैप से सेम टू सेम यूआई बना रखा है, अपना खुद का एक यूआई बनाओ और उसमें इंटीग्रेट करो। और सर इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम है आपको यूआई से? सर समझे नहीं आप क्या बोल रहे हैं। ये यूआई जो रख के रखा है ना, इसको चेंज करो, थोड़ा अच्छा यूआई डालो। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है ना, सबका यूज करो और अच्छा यूआई डालो फ्लिपकार्ट जैसा। ओके सर, और सर जैसे स्पीड एडिशन है उसको मैं फिर से ऐड टू कार्ट करता हूं, ये दो बार ऐड हो गया सर यहां पे। ओके हां हां करो करो, ऐड टू कार्ट तो करो, जाओ कंट्रोलर पे जाओ, डिबगर लगाओ वहां। सर किस पे सर? कंट्रोलर पे जाओ, जिस एक्शन पे ऐड टू कार्ट में कार्ट में प्रोडक्ट आपका ऐड हो रहा है, वो मेथड में जाके डिबगर लगा दो। कहाँ लिख रखा है आपने ये कोड ऐड करने का, वहां जाओ, पहले वीएस कोड पे चले जाओ, वही मिलेगा आपको। यस सर वीएस पे। कहाँ लिख रखा है ये कोड? सॉरी एड प्रोडक्ट पे, ये यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओ ना, आपने सेम कर रखा है यहाँ पे, इफ भी यूज नहीं किया आपने।
थोड़े चेंजेस तो रखो अपने कोड में। ये तो लास्ट क्लास तक बताया था उतना ही कर रखा है सिर्फ आपने, उसके आगे कुछ किया ही नहीं है। सर नेक्स्ट वाले पे वर्क करूंगा तो फिर अपने से करूंगा ना सर, अभी सर जस्ट इसको कंप्लीट कर रहा था इसी तरह से। करो वहां से रिक्वेस्ट करो। ओके हाँ, करेंट यूजर डॉट कार्ट डॉट फर्स्ट डॉट कार्ट आइटम्स करो, ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर दो, करेंट यूजर डॉट कार्ट न्यू हटा दो, न्यू हटा दो, हाँ करो क्लिक करो। स्पेलिंग गलत है यूजर की, यूजर की स्पेलिंग गलत है और करंट यूजर हटाओ वहां से, करंट यूजर हटा दो जो एक्स्ट्रा लगा है आगे। यस सर, मिल गए, प्रोडक्ट आईडी मिल रही है, परम्स करो, परम्स लिखो, Params, P-A-R-A-M-S. क्या मिल रही है यहाँ पे, आई डी 2 मिल रही है, ऊपर वाला एरो दबाओ, अब की दबाओ, एक और बार दबाओ, बस डॉट वेयर लिखो इसके आगे। सर क्या लिखना है, डॉट डॉट वेयर W H E R E where brackets open करो, product ID is equal to brackets लगाओ where के पहले, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, product ID is equal to परम्स आईडी, सर ऐसा लिखना है, हाँ कोलन या प्रोडक्ट आईडी के पहले कोलन लगा दो, इक्वल टू हटा दो, करो एंटर। सर बीच में कुछ भी नहीं होगा इसके, प्रोडक्ट आईडी के बाद कॉमा, प्रोडक्ट आईडी के बाद कोलन लगाना है आपको। फाइंड कैसे करते हो, वैसे ही लिख दो वेयर में, फाइंड कैसे करते हो उस तरीके से लिखो। ओके सर, कर्ली ब्रेसेस नहीं ब्रैकेट लगाने थे,
आईडी में कैसे तो गेट करते सब हो? हम पहले लिखते हैं, सब आईडी प्रोडक्ट कैसे डॉट गेट फाइंड, करते फिर हो? फाइंड सब प्रोडक्ट आईडी डॉट कैसे गेट फाइंड। करते हो? हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है सर? हेलो नहीं, परम से हेलो, आईडी कैसे गेट करते हो? आ रही है आपकी वॉइस? परम यस से सर। आईडी कैसे गेट करोगे? प्रोडक्ट डॉट फाइंड सर करता हूँ, फाइंड के अंदर सर मैं आईडी डालता हूँ, और अगर परम से वहां आईडी से कैसे करना गेट होता है करते हो? फाइंड बाय सर। परम्स लिखो, प्रोडक्ट और ये हटा दो, सब क्लियर कर दो और परम्स लिखो सिर्फ। हाँ, एंटर करो। ये आईडी चाहिए मुझे, कैसे लूंगा मैं? सब परम साइड हाँ, बताओ ना मुझे कैसे लूंगा। देखो, ऐसे थोड़ी ना आती है। अच्छा, नो सर, फिर आइडिया नहीं है। एरे एरे वाले ब्रैकेट फिर आईडी। एरे वाले ब्रैकेट देन कोलन देन आईडी। आ गई आईडी। अब की प्रेस करो। और प्रेस करो, और करो, और करो। बस अब ये ऊपर से एक और डाउन की प्रेस करो। बस ये परम साइड जो लिखा है ना, इसको रिप्लेस कर दो। परम साइड, प्रोडक्ट आईडी नहीं, परम साइड। सर्वर ही स्टॉप कर दिया आपने। यहाँ पे करंट यूजर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से चेक कर लेना, और अगर मिल रहा है आपको वैल्यू तो क्वांटिटी को ओके सर, मैं चेक इंक्रीज कर कर देना लूंगा। कार्ड। ठीक सॉरी है। सर, सर मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, और सर क्या थोड़ा प्रॉब्लम शेयर आ रही है? करना था सर। और क्या हाँ कहते करो। हैं, अंकित थोड़ा स्टॉप करना। सर मेरे को यहाँ पे सर प्रॉब्लम आ रही है। तो सर जैसे मैं कुछ भी न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, हाँ, सर उसमें मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है सर। करो। बताओ। स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ, विजिबल है। सर मेरी तो जब यहाँ पे सर बटन के लिए इश्यू कर रहा है। कुछ इशू आ रहा है सर, एक मेरा क्रोम चल नहीं रहा है सर। सर वो क्या कहते हैं, मेरी यहाँ पे सर मतलब प्रॉब्लम शो कर रहा है सर, इस वाले पे करंट यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हो?
सर विंडो पे ही है, बट मैंने अलग से, मतलब मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूँ सर बेसिकली। हाँ डिबगर आ गया ना ये, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? करंट यूजर करो, करंट यूजर लिखो यहाँ पे। हाँ एंटर करो, नहीं ला रहा है आपका करंट यूजर, दैट्स व्हाई लॉगिन नहीं होगा। वो डिवाइस यूज किया आपने? यस सर डिवाइस यूज किया सर, हर चीज आप मतलब जैसे आपने प्रोसीजर जैसे फॉलो किया था वैसे किया है, बट सर वहाँ पे लॉगिन नहीं किया आपने। यहाँ पे लॉगिन का आ रहा है ना? यस सर ऊपर देखो आपके उस पे, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ब्राउजर पे ही देखो। यस सर ब्राउजर पे जाओ। हाँ अब यहाँ पे लॉगिन का आ रहा है ना, तो पहले लॉगिन करोगे तभी करंट यूजर मिलेगा आपको, तो लॉगिन करके ट्राई करो, हो जाएगा। हाँ हाँ कार्ड दो, सी दबा दो वहां पे टर्मिनल पे जाके। क्या? हाँ सी सी कर दो। हाँ एंटर। हाँ ठीक है लॉगिन करो ब्राउजर पे जाके। सर जैसे मैंने लॉगिन किया, अब करो प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट ऐड करो। तो जैसे मेरे पास मैं अगर प्रोडक्ट्स पे सिर्फ जाऊं, जैसे मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं सर, तो ये मेरे पास मैंने ऐड कर रखे, तो ये अलग से प्रोडक्ट ऐड है। अगर मेरे को न्यू ऐड करना है तो मैं यहाँ पे वीडियो ओके टर्मिनल पे जाओ, करो करंट यूजर प्रिंट। मिल गया, करो करंट यूजर डॉट प्रोडक्ट्स। एंटर करो, अब लिखो करंट यूजर डॉट प्रोडक्ट्स डॉट न्यू। That's it. सीधा वादो, सी करके एंटर।